चलो स्टूडेंट, मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24 लेके आया हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 24 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका डायग्राम दिया है, लेकिन स्टूडेंट सब इसको दे चुका है कि इसमें तो मुझे एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा। एडी फर्स्ट क्या लिखना है, एडी एडी क्यों एडी लिखिए, एक पार्ट दो पार्ट तीन चार पार्ट से बना है एडी, क्या है चार पार्ट से बना है। तो स्टूडेंट हम फर्स्ट ध्यान दें एडी, एडी है इसमें आपका ए एफ प्लस एफ जी जी एच प्लस एच डी। ठीक स्टूडेंट, तो यहां पर देखिए स्टूडेंट ए एफ 50 मीटर, एफ जी ए 40 मीटर, जी एच ए 50 मीटर और 25 मीटर। हम सबको प्लस करते हैं एक बार में, तो अगर प्लस करेंगे 50 प्लस 40 90, ठीक है 90 105 130 कितना स्टूडेंट, इसका जो आंसर आ रहा है 130 मीटर। चलिए ये खत्म हुआ। अब यहां पर देखिए आपको क्या दिख रहा है, एक ये फर्स्ट राइट एंगल क्योंकि 90 है स्टूडेंट, आपको जब भी कॉर्नर में 90 दिखेगा इससे देखिए स्टूडेंट तीन हाइट है, एक दो तीन हाइट, एक दो तीन हाइट है, तो इसमें तीन फिगर बन रहा है। फर्स्ट स्टूडेंट देख सकते हैं यहां पर ट्रेपेजियम, सेकेंड ये थर्ड, यहां पर तीन बन रहा है और ये पूरा का एक ले लेते हम, इसको लेते हम नंबर फोर। तो चार ड्रॉइंग को एक साथ मिला के करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो फर्स्ट देख सकते हैं ये फर्स्ट ड्रॉइंग है, बस ड्रॉइंग खुलने से आपको समझ आ जाएगा, ए एफ बी ये 50 मीटर है, ये भी 50 मीटर, ये फर्स्ट ड्रॉइंग। इसका स्टूडेंट आपका सेकेंड ड्रॉइंग भी है, ठीक है स्टूडेंट, हमें थोड़ा सा इस ड्रॉइंग को थोड़ा आगे ले लेता हूं स्टूडेंट, ताकि सब ड्रॉइंग आ जाए, सभी ड्रॉइंग एक साथ कर लेते स्टूडेंट। यहां पर आप देख सकते हैं फर्स्ट ड्रॉइंग, तो ए एफ बी ये 50 मीटर, ये भी 50 मीटर। अब जो नेक्स्ट ड्रॉइंग है ट्रेपेजियम का, सर इस ड्रॉइंग इस ड्रॉइंग को खोल लेते हैं, ये फर्स्ट ये सेकेंड है, बी एफ सी एच ये तो 50 मीटर, ये है 25 मीटर। और स्टूडेंट यहां देखिए एफ एच दो मिल गए, तो स्टूडेंट आप यहां एफ एच दिखा दीजिए, एफ एच क्या होगा एफ जी प्लस जी एच 40 मीटर प्लस 50 मीटर, आप देख सकते हैं 55 मीटर हो गया, ये 55 मीटर। तो फर्स्ट सेकेंड हो गया और ये थर्ड है। चल स्टूडेंट मैं थर्ड ड्रॉइंग भी बोल देता हूं, थर्ड ड्रॉइंग क्या स्टूडेंट, एच में 90 है, सी डी अब एच डी था 25 मीटर, ये स्टूडेंट 25 मीटर। स्टूडेंट फर्स्ट ये सेकेंड ड्रॉइंग, ये थर्ड और ये लास्ट सबसे बड़ा ड्रॉइंग है, ठीक है स्टूडेंट। ये तीनों और स्टूडेंट आपके तो चार कॉम्बिनेशन, एक दो तीन चार, चारों मिलके बन रहा है, इसका नाम क्या है एडी। आप एडी तो मिलिए स्टूडेंट 130 सेंटीमीटर मीटर, सॉरी 130 मीटर है। E था इसमें क्या होगा जी होगा, ई जी 60 मीटर। स्टूडेंट अब करते स्टूडेंट फिगर में एरिया ऑफ अ स्टूडेंट, देखिए कितना साइड इसका, एक दो तीन चार पांच साइड, अगर पांच साइड बोलेगा स्टूडेंट
तो ये क्या आपका पेंडम हो गया, एरिया ऑफ पेंटागन। अब ये क्या स्टूडेंट, चारों प्लस कर रहे हैं तो फर्स्ट आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका नाम क्या स्टूडेंट, ए एफ बी प्लस, अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इसके स्टूडेंट, एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम। अब ये ट्रेपेजियम क्यों स्टूडेंट, अब पता है ट्रेपेजियम क्योंकि दो 90, दो 90 दो पैडल साइड, ठीक है स्टूडेंट, ये पैडल साइड है, पैडल साइड, ये भी पैडल साइड है, ठीक है। ट्रेपेजियम का नाम क्या स्टूडेंट, बी एफ एच सी, सो ये भी हो गया प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल सी एच डी प्लस और एक ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल, बहुत मजा का स्टूडेंट, आपको मजा आएगा फिर सब करेंगे तो, एक दो तीन चार बहुत अच्छा लगेगा आपको स्टूडेंट। तो नाम क्या है, ई ए डी, ठीक स्टूडेंट। तब यहां पर देख सकते हैं ट्रायंगल है, राइट एंगल फॉर्मूला है स्टूडेंट, हाफ स्टूडेंट बेस, बेस इनटू हाइट, हाइट है स्टूडेंट 50 मीटर। चलिए फर्स्ट पार्ट हो गया, अब आ गया ट्रेपेजियम वाली, अब ट्रेपेजियम का फॉर्मूला याद है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, देखिए स्टूडेंट एक पैरेलल साइड था 50, एक था 25, तो 50 प्लस 25 मीटर इनटू हाइट। अब हाइट क्या है, दोनों का जो डिस्टेंस है, देखिए ये डिस्टेंस दोनों हाइट का रेशियो डिस्टेंस क्या था स्टूडेंट, 55। चलो स्टूडेंट इसको कर लेते 55 प्लस, अरे वाह कितना अच्छा है राइट एंगल, राइट एंगल से स्टूडेंट लव टू टैप आपके बेटे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, हाफ बेस, अब बेस कितना है, अरे वाह बहुत अच्छा, 25 मीटर इनटू 25 मीटर, अरे वाह स्टूडेंट सम आशा होते जा रहा है प्लस, अब लास्ट है आपका क्या था स्टूडेंट, ये लास्ट है, ये पूरा बेस 130, हाई है 60, ठीक स्टूडेंट। तो मैंने कहा स्टूडेंट फिर से हाफ बेस है 130 और इंटू 60, ठीक स्टूडेंट। तो यहां तक आपको क्या प्रॉब्लम स्टूडेंट इसी था, अब इसको देखिए स्टूडेंट मेरे ऊपर कोई काम नहीं है, समझा देते हैं ठीक है, अच्छा जो जोड़ते हैं समझा देते हैं। अब मजा है स्टार्ट करते, देखिए स्टूडेंट ये फर्स्ट घटेगा 225 से, मतलब 25 जो फर्स्ट बनेगा इक्वल टू 25 इंटू 50 मीटर स्क्वायर। चलिए फर्स्ट का हो गया, फिर स्टूडेंट अब यहां पर देखिए स्टूडेंट इसमें कितना होगा 75 टू 2 4 27.5, मतलब स्टूडेंट 75 को 27.5 से क्या स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे मीटर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। अब यहां देखिए ये भी कटेगा 12.5, तो स्टूडेंट क्या आएगा 12.5 इंटू 25 मीटर स्क्वायर, अरे वाह कितना अच्छा है सब आते जाएगा स्टूडेंट। ये कटेगा 30 से, मतलब स्टूडेंट क्या आएगा इसका प्लस 130 इंटू 30 मीटर स्क्वायर, ठीक स्टूडेंट।
तो स्टूडेंट हमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहां पर, अब मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा दोनों 251250 मीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब ये दोनों को स्क्वायर आप मल्टीप्लाई कर लिए। ठीक है, अब कितना स्क्वायर ये 27 1 2 7 1 2 7 5 2 7 35 7 3 10 30। अब देखिए स्टूडेंट सेम पर 35 5 carry 3 2 5 carry 7 to 14 19 12 3 4 5 6 9 10। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहां पर एक का बाद पॉइंट है, तो एक का बाद पॉइंट, तो इसका जो आंसर क्या है 2062.5 मीटर स्क्वायर। देखिए आंसर होते जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 125 into 25 5 into 25 10 12 carry 1 6 10 4 5 2। ठीक है स्टूडेंट, 5 2 11 3। अब स्टूडेंट 3 1 2 इसमें कितना आ गया 3 1 2.5 मीटर स्क्वायर। आज दो मिनट का स्क्वायर बढ़ी जाएगी 13 to 3 3900 मीटर स्क्वायर। अरे वाह कितना अच्छा है स्टूडेंट, क्या है जस्ट प्लस करना है, क्या करना स्टूडेंट प्लस करना है, तो 1 2 5 0 2 0 6 2.5 3 1 2.5 3 9 00 प्लस स्टूडेंट 0 आएगा 4 5। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां पर क्या है 11 12 2 12 2 भी आ गया, कैरी 1 9 10 30 40 15 5 स्टूडेंट कैरी 1 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 बस आंसर स्टूडेंट दोनों का आंसर आंसर क्या है 7525 मीटर स्क्वायर। चलिए स्टूडेंट इसके बाद 24 के बाद स्टूडेंट हम बड़ी पेपर करते हैं इसमें। तो स्टूडेंट आप अभी यहां पर देख सकते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 25 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आ फुटपाथ ऑफ यूनिफॉर्म वी रन ऑल अराउंड द आउटसाइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। देखिए स्टूडेंट ये था फील्ड, ये रेक्टेंगुलर फील्ड था, उसका बाहर देखिए था स्टूडेंट यूनिफॉर्म वी। अब वी क्या स्टूडेंट सब सेम होगा, वी क्या होगा सबका सब क्या होगा स्टूडेंट डिजाइनमेंट क्या होगा चारों तरफ से सेम होगा। देखिए स्टूडेंट चारों तरफ से क्या होगा सेम होगा। ठीक है, अब यहां पर एक चीज बहुत अच्छा बताया, देखिए स्टूडेंट फील्ड का लेंथ दिया है ब्रेथ दिया है। ठीक है, तो मुझे और एक चीज दिया, देखिए स्टूडेंट इफ द पाथ इफ बहुत कितना अच्छा है रास्ता का जो एरिया है जिस रास्ते से जा रहे थे स्टूडेंट उस रास्ता का एरिया दिया है। ठीक है स्टूडेंट, अब रास्ता का एरिया कितना स्टूडेंट 360 मीटर बहुत अच्छा स्टूडेंट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्यों बोले स्टूडेंट मुझे ऑलरेडी दिया गया इसका। ठीक है, इसे क्या नहीं दिया विड्थ दे दिया, तो विड्थ को मैंने क्या दिया एक्स दिया। ठीक स्टूडेंट, अब यहां आप एक चीज ध्यान रखना स्टूडेंट इसमें क्या होगा आउटर रेक्टेंगल बहुत अच्छा स्टूडेंट, क्योंकि इसमें मुझे क्या चाहिए था ये पार्ट चाहिए था स्टूडेंट आउटर रेक्टेंगल माइनस इनर। अब इनर तो मैंने क्या था स्टूडेंट इनर के एक्यूरेट था स्टूडेंट, चलिए हम करते हैं। तो क्या स्टूडेंट एरिया
एरिया ऑफ द रेटिकुलर फील्ड अब इसका जो फॉर्मूला है लेन इनटू ब्रेड 30 मीटर इनटू 24 मीटर 7 to 0 स्क्वायर मीटर स्क्वायर 7 to 0 मीटर 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 स्क्वायर वाह बहुत अच्छा अंदर का आ गया अब मुझे बाहर का चाहिए अब बाहर का बहुत आसान है देखिए 30 होगा 24 का स्क्वायर ये क्या है 24 अब इसको देखिए ये अंदर का था मुझे चाहिए बाहर का ठीक है आप यहां समझ जाएंगे देखिए ये था 30 मीटर यहां से एक्स्ट्रा ये ठीक है ये एक्स एक्स्ट्रा दोनों तरफ से एक्स्ट्रा है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मतलब 30 से ये जो एक्स्ट्रा क्या उस पर प्लस होगा क्योंकि मुझे क्या करना है अंदर नहीं करना मुझे बाहर क्या करना है हमें बाहर करना है अंदर हो चुका है ठीक है मुझे क्या करना है बाहर का ले चाहिए बाहर का ब्रेड क्यों स्टूडेंट मुझे क्या करना है पाथ का मतलब क्या है एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल चाहिए माइनस इधर इधर तो आ गया चलिए कोई बात नहीं स्टूडेंट तो मेरे क्या आउटर लेन अरे वाह बहुत अच्छा आउटर लेन थोड़ी ना मैं कहीं पर बता दिया आराम से ना कहीं बता दिया बट ये प्लस देखिए स्टूडेंट यहां से एक्स उधर से एक्स एक्स प्लस एक्स स्टूडेंट क्या आएगा 30 plus 2x अरे वाह आउटर लेन तो आ गया अब क्या था स्टूडेंट आउटर ब्रेथ करना था चलिए ये भी कर लेते हैं आउटर ब्रेथ आउटर ब्रेथ के समय 24 था रे तो कितना अच्छा लगे ये 24 तो यहां से फिर से एक्स्ट्रा ऊपर के एक्स्ट्रा नीचे के एक्स्ट्रा कितने टोटल चाहिए था 24 ऊपर के एक्स्ट्रा नीचे के एक्स्ट्रा अब दोनों एक्स्ट्रा क्या स्टूडेंट एक्स है तो आउटर ब्रेक 24 एक्स प्लस एक्स तो यहां पर देखते हैं स्टूडेंट 24 प्लस 2x ठीक स्टूडेंट अब स्टूडेंट अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट क्योंकि मुझे क्या करना स्टूडेंट निकालना होगा कुछ भी नहीं स्टूडेंट ऊपर में लेट the width b v तो क्या लिखा है स्टूडेंट चारों कोण से एक ही होगा देखिए यूनिफॉर्म है क्या स्टूडेंट x मीटर वाह अब मजा आएगा अपने सब स्टूडेंट चलिए स्टूडेंट सुबह आए थे अब मजा आएगा अंदर का बाहर गया देख सकते अंदर का तो निकल गया अब बाहर का एरिया से था तो मैंने लिख दिया एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल अब इसका जो फॉर्मूला है स्टूडेंट आपको पता है एरिया फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ ठीक है स्टूडेंट लेंथ 30 प्लस 2x और ब्रेथ 24 प्लस 2x स्टूडेंट अब इसका स्टूडेंट को मल्टीप्लिकेशन करना आता है पहले मैंने क्या किया पहले फर्स्ट ये नंबर से 24 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट 24 3 is 12 3 72 720 ठीक है सो क्या आएगा 720 आ जाएगा उसके बाद
थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 टू जा 48x इस वे यहां पे प्रॉब्लम नहीं है, इजी है, ठीक है। अब यहां पर हम देख सकते हैं 30 को देखिए बेटा इससे हो गया फर्स्ट पार्ट का खत्म। अब ये सेकंड पार्ट इससे क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इससे क्या है दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने क्या किया 30 × 2 = 60x, 2 × 4 = x². अरे वाह इतना चांस आते जा रहा है, बहुत अच्छा बात है। चलो छोड़ सुविधा देते हैं प्लान के, अब मजा आएगा इसमें। देखिए एरिया ऑफ कार जो दिया है रास्ता का, ठीक है स्टूडेंट, जिस रास्ते से जा रहे थे वो रास्ता का एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, सॉरी एरिया ऑफ स्क्वायर, रास्ता जो था अब रास्ता देखिए अच्छा है कि खराब पता चल जाएगा, एरिया ऑफ पार कच्चा के पक्का पता चल जाएगा। चलिए स्टूडेंट अब क्या होगा, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल बाय डिस्प्लेसमेंट एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, अब इसमें मजा आएगा नहीं, आउटर तो नहीं है इसमें, आउटर कौन सा आउटर, ये पूरा देखिए इसमें ठीक है आउटर था, पर एरिया ऑफ पार वो तो दिया है स्टूडेंट, कितना दिया है 360 360, देखिए स्टूडेंट एरिया ऑफ पार 360 इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल, आउटर दिया गया है आउटर स्टूडेंट 720 प्लस 48x प्लस 60x प्लस 4x². चलिए स्क्वायर आउटर तो हो गया आउटर का, पर जो माइनस इनर, इनर तो क्या स्क्वायर, इनर कितना था, इनर था 720। चलिए स्क्वायर इनर का कितना स्क्वायर 720, तब 720 क्या था माइनस 720, बहुत बढ़िया स्क्वायर। ये आउटर एरिया बाहर माइनस अंदर, अब ये काट दे स्टूडेंट दोनों कैंसिल हो जाएगा, बस स्टूडेंट को सम को एंजॉय करना है, अगर वो सम को एंजॉय करेंगे तो आपको मजा आएगा सम करके, ठीक है। अब देखिए अब ये प्लस है, अगर इसको हम वन मूव कर देंगे क्या बना देंगे इसको, तो क्या हो स्टूडेंट माइनस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा माइनस। अब इस कहानी सबसे बड़ा देखिए एक्स स्क्वायर 4x² स्टूडेंट, अब यहां देखिए 60 + 40x कितना स्टूडेंट 100 a होगा 108x स्टूडेंट, अब ये प्लस है तो माइनस के स्टूडेंट 360 = 0, यहां पर स्टूडेंट आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहां देख सकते स्टूडेंट ये 408 360, अब तीनों का तीनों 4 से डिवाइड हो जाएगा, इससे स्क्वायर 4 से डिवाइड होगा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4, यहां देखिए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा 4 × 2 = 8 × 4 = 28x 4 × 9 =, अरे वाह कितना अच्छा है स्टूडेंट, यहां तक कोई बहुत इसमें आपको, अब स्टूडेंट जो जो जरूरत नहीं था बता दो दोस्तों सब स्टूडेंट, यहां तक बहुत इसमें स्टूडेंट अब स्टूडेंट आपको दिख रहा है कभी एक्स स्क्वायर एक्स दिख गया मतलब क्या स्टूडेंट क्या है मिडिल टर्म
ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 90 इक्वल टू जीरो। बहुत अच्छा मिल गया, आप उस बार अगले को करना। अब 90 तो मुझे क्यों मिलियन क्या होता है, पीछे का नंबर आगे क्या है वन, तो 90 तो बन गया 90 होगा। इसी को तोड़ते हैं, 245 सर, 59 सर, 33 सर, 31 सर, बहुत अच्छा। अब माइनस क्या है, कभी से होता है, अगर कभी भी कोई भी पीछे का नंबर है आगे माइनस है इससे बड़ा होना चाहिए, इससे क्या होना चाहिए बड़ा, 30 माइनस 3 इस टाइप का कुछ होना चाहिए, ठीक है बड़ा होना चाहिए। अब यहां देख सकते हैं 5 3 15, 50 2 30, ये देखो दिख भी गया 50 2 30 इससे बड़ा है, माइनस 3, अरे वाह कितना अच्छा है, 30 माइनस 3 27, एक्स स्क्वायर 30 माइनस 3 एक्स माइनस 90 इक्वल टू जीरो। अब स्क्वायर कुछ नहीं है, निकलता क्या आपसे, एक्स स्क्वायर 30x माइनस 3x माइनस 90 इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों में कॉमन, इन दोनों कॉमन क्या स्क्वायर, x x प्लस देखिए स्क्वायर दोनों में कॉमन क्या था, हमेशा जब चार बनेगा फर्स्ट दो लास्ट दो, x कॉमन हो गया x प्लस 30। अब यहां देखिए 3 होगा एक्स माइनस है प्लस माइनस माइनस 330 जाए, अरे बहुत कितना अच्छा है आंसर आते जा रहे हैं। ठीक स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट आपका आंसर है, तुम्हारा लगभग आ चुका है, देखिए एक्स प्लस 30 घर से विदा लिया, घर से निकल गया, निकल लिया है, ये दोनों कॉमन है। अब क्या बचा इसमें, बचा एक्स माइनस 3 इक्वल टू जीरो। अब देखिए स्वयं आंसर बल्ले बल्ले ले आएगा, खुशी खुशी से आएगा। अब यहां पर देखते स्वयं एक्स प्लस 30 इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस 3, अरे वाह कितना अच्छा है, जीरो। दोनों भाई साहब को फर्स्ट भाई साहब सेकंड भाई साहब दोनों को जीरो दिया। अब देखिए बेचारे भाई साहब से गुस्सा हो जाएगा, जैसे कि प्लस था माइनस 30 बेचारा दुखी हो गया, माइनस आ गया, इसको हम लोग माइनस को हम देखते हैं नहीं देखते, बेचारा इग्नोर करते हैं, इग्नोरिंग नेगेटिव वैल्यू, बेचारा दुखी हो गया। अब देखिए ये भाई साहब बहुत गुस्से है, छोटा ने बड़ा हुआ माइनस है तो स्टूडेंट क्या हुआ प्लस, अरे बहुत देखिए छोटा करके बड़ा हुआ दिखा देते हैं, तो आपका जो आंसर है, आंसर क्या है भाई, पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे, तो एक्स आंसर क्या है 3, बस विद क्या होगा आपका, विद होगा 3 होगा। देयरफॉर स्टूडेंट लास्ट स्टेप में लीजिए, देयरफॉर विद ऑफ द पार इक्वल टू 3 मीटर, आंसर बदल कर गया है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।